कहा करते थे ये मंदिर अनेक बार तोड़ा गया, उसका प्रमाण अब आ रहा है कि आज के धरातल से 50 फीट गहराई तक मलबा भरा है। ये 50-50 फीट का मलबा कहाँ से आ गया? सरयू का जल प्रवाह कभी न कभी यहाँ था, ऐसा इसरो के फोटोग्राफ्स बताते हैं। भारत माता की जय शब्द को साकार करने का प्रयास है। अभी मंदिर बना ही नहीं है और करोड़ों लोगों का इसके साथ जुड़ाव हो गया है। कम से कम 11 करोड़ लोगों ने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया इस मंदिर को देकर भगवान की झोली भर दी है। अभी तो मंदिर बनना शुरू ही हुआ है और दुनिया का, भारत का इसके प्रति जो लगाव झुकाव प्रकट हुआ है वो अपने में एक्सेप्शनल है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लोगों के लिए खास महत्व रखती है। ये केवल शहर मात्र नहीं है बल्कि सनातन प्रेमियों के लिए वो नगरी है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वों को जोड़े हुए है। लगभग 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में बने प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के संघर्ष की सबकी अपनी एक कहानी है, लेकिन कुछ लोगों ने तो इसमें अपना पूरा जीवन झोंक दिया और आज ऐसे ही एक व्यक्ति की बात व्यक्तित्व में होगी। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो व्यक्तित्व। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बना भव्य रामलला का मंदिर जिस तरह से चर्चा में है, ठीक उसी तरह रामलला के पटवारी यानी चंपत राय भी सुर्खियों में बने हुए हैं। समय समय पर चंपत राय अयोध्या राम मंदिर और 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां साझा कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे चंपत राय मुख्य लोगों में से एक है। कार्यक्रम कैसा होगा, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, कार्यक्रम की अवधि क्या होगी और जनमानस के लिए रामलला के दर्शन कब कैसे होंगे, इस सब से जुड़े सवालों के जवाब मीडिया और पत्रकारों को चंपत राय ही दे रहे हैं। इस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अहम जिम्मेदारी भी चंपत राय के कंधे पर ही है। लेकिन चंपत राय आखिर है कौन और राम मंदिर में क्या है इनकी भूमिका, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना तहसील में रामेश्वर प्रसाद बंसल और सावित्री देवी के घर पर हुआ था। ये 10 भाई बहन हैं जिनमें ये दूसरे नंबर पर हैं। बहुत ही कम उम्र में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़ गए थे और संघ के विचारों का खूब प्रचार किया। उच्च शिक्षा पूरे करने के बाद ये धामपुर में आश्रम में डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए और वहां नौकरी करने लगे। लेकिन उनके जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब 1991 में क्षेत्रीय संगठन मंत्री के तौर पर ये अयोध्या आ गए। 1996 में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बने और 2002 में संयुक्त महामंत्री और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बन गए। इस समय चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। चंपत राय ने शादी नहीं की और अपने घर भी कभी कभार जाते हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर सामाजिक आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई में चंपत राय की अहम भूमिका रही। चंपत राय ने ही राम जन्मभूमि से जुड़े तमाम फाइलों और साक्ष्य को अपने कक्ष में रखा था और प्रतिदिन वकीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए नए नए साक्ष्य उपलब्ध कराना, वकीलों के साथ कोर्ट जाना, सुनवाई के दौरान धैर्य बनाए रखने की जिम्मेदारी चंपत राय ने बखूबी निभाई। राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए चंपत राय की अहम भूमिका को देखते हुए लोग इन्हें प्यार से रामलला के पटवारी कहते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का काम भी चंपत राय की निगरानी में ही हो रहा है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय को मंदिर निर्माण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी। 2020 में चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बना दिया गया।
1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकालीन की घोषणा की तब चंपत राय कॉलेज में प्रवक्ता थे। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कॉलेज पहुंच गई। कहा जाता है कि चंपत राय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर गिरफ्तार हुए थे। चंपत राय करीब 18 महीने तक उत्तर प्रदेश की जेल में रहे। इस दौरान उन्हें अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया गया। हालांकि जेल में रहने के दौरान उनका संकल्प और दृढ़ हुआ और वो एक अलग ही व्यक्ति के रूप में सामने आए। आपातकाल खत्म होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद तो वापस कभी घर लौट कर नहीं गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और विश्व हिंदू परिषद का हिस्सा बन गए। तो ये कहानी थी चंपत राय की। राम मंदिर से जुड़े यकीनन आपके भी अपने किस्से जरूर होंगे। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।